सत श्री अकाल दोस्तों, मैं तुहाडा दोस्त मनदीप सिंह संदली पैड़ा चैनल उत्ते तुहाडा स्वागत है। अज असी पहुँचे हाँ आल इंडिया पिंगलवाड़ा चैरिटेबल दे विच, जिथे अज खूनदान कैंप लग्या होया है। ये सारी की देख रेख जी है बीबी डॉक्टर इंद्रजीत कौर जिहड़े आ उन्हां द्वारा जिहड़ा करवाया जा रहा वा। जिहड़ा खूनदान कैंप लग्या होया इहदे विच गुरु नानक देव होस्पिटल ते गुरु रामदास होस्पिटल दे जिहड़े डॉक्टर आ उह आ के इहदी सारी देख रेख दे विच काम चल रहा हैगा उन्हां दे। तो जिथे इतने खूनदान कैंप लग्या होया वा, खूनदान कैंप के शख्सियत जड़िया वा खूनदान कर रही वा, उत्थे ही पिंगलवाड़ा संस्था वालों अगर तुसी देखा जाए इन्हां वालों एक वर्कशॉप भी लगाई हुई है कि जो लोग बाहरों इतने आ रहे आके देखने वास्ते उन्हां दे वर्कशॉप लगाया होया वा। तुसी देख सकते हो जिन्ना भी इतने समान है, अचार बने हुए आ, पापड़ हैगे आ, जा इधर मिरर दे विच इन्हां ने डेकोरेशन की हुई है, डेकोरेशन समान है। ये सारा जिहड़ा हैगा वा ये पिंगलवाड़े के जिहड़े बच्चे आ उन्हां वल्लों ही तैयार किया गया वा। साडे नाल इस टाइम जिहड़े इन्हां दे इंचार्ज मैडम कुलवंत कौर साडे नाल आ, आपां इन्हां नाल गलबात करते हाँ। सत श्री अकाल मैडम जी। हाँ जी मैडम जी, ये जी तुसी वर्कशॉप लगाई हुई है तुहाडे इत्थों स्कूल के बच्चों वल्लों लगाई गई है? हाँ जी, ये साडे पिंगलवाड़ा संस्था के बच्चे ने, साडे अपने जो अनमैरिड मैरिड जिहड़े बच्चे वार्डां च रह रहे असी उन्हां नूं सपोर्ट किया कि उत्थों जाके इन्हां बच्चों नूं इन्हां दी बच्चों की सहायता दे नाल असी एक वोकेशनल सेंटर तैयार किया कि जिथे कि इन्हां बच्चों नूं सिलाई कढ़ाई दे नाल नाल असी कुकिंग का कोर्स भी करवाया जाए, क्योंकि इन्हां बच्चों नूं सिखा के बाद असी इन्हां दी शादी करते हैं कि अपने घर जाके सिलाई कढ़ाई दे नाल नाल कुकिंग का कम भी कर सकन। इन्हां दे नाल असी जिस तरह मिरर वगैरह बनाना, आर्ट एंड क्राफ्ट का कम आ, फ्लावर मेकिंग का, सॉफ्ट वाइज का कम आ, इस तरह हल्के कुकिंग दे विच जिस तरह आपां पापड़ चौलों के पापड़ दिखाने आ, मावां दी दाल दे पापड़, आंवला चूरन तैयार किया, कैमला कैंडी तैयार की, आंवला चा अंब का चार है, नींबू का मुरब्बा है, गुलाब का शरबत आ, दूसरा बदम का शरबत है, अंब का अचार है। ये हर एक चीज़ असी बच्चों पहले ट्रेनिंग दी है और ये बच्चे फिर साढ़े हर साल बाबा जी की बरसी के उत्ते शौकिया तौर के उत्ते असी सारा काम करते हैं, थोड़ा सेल भी हो जाता है, बच्चों को खुशी होंगी है और यही सारा पैसा असं फिर पिंगलवाड़ा संस्था में जमा करवा दें कि सूँ फिर दोबारा ये सारा समान लिया के दे कि बच्चों असी रुजगार तो लाया हो कि वेले ना बैन तो कम करते रहन। बहुत वधिया गल है कि जिथे तुसी एक सेल वास्ते भी कर रहे हो, इनकम का सिस्टम बनया हुआ, उत्थे अगर दूसरे पास देखा जाए बच्चों के भी इस काम में पूरे हाथ सीधे होंगे, उन्होंने भी एक कार अपने परिवार में जाते उन्होंने मुश्किल नहीं आती। मैडम जिते कुकिंग का समान चल रहा मैं देख रहा थोड़े वालों जो चादर वगैरह जीडिया वा यद उपर कढ़ाई की हुई है पुराने जमाने के हिसाब न, क्योंकि अजक नहीं पहले जी सिलाई हैगी लोरिया जी देखो आन के पहले तुम देख सकते हो जी हाथों कढ़ाई की सी। मैडम जी ये दसो कि यह बच्चों वालों की गई है या मशीनी है? नहीं जी, ये सारा सा हैंडवर्क कम आ, कुकिंग लैके एम्ब्रॉयडरी हैंडवर्क जिन्ना सा हैंडवर्क बाजार का कुछ नहीं है, हैंडवर्क कम है सारा। ये जिन्ने साडे बच्चे खड़े है, कुछ बच्चे साडे उपर पैकिंग कर रहे समान की, ये सारा साडे बच्चे कम करते हैं और ये बाहर का साडा कुछ नहीं है, सिर्फ सानू कपड़ा लिया के देंगे इसके उत्ते असीं कढ़ाई सिलाई सारा बच्चों को सिखाने बाद विच इन्हां नू सेल कर दिंदे। इस तो इलावा जिहड़े स्वैटर वगैरह बने हुए आ, पर्स वगैरह जिहड़े धागे दे पर्स बने हुए, ऊन दे पर्स बने आ, दोस्तो तुसीं देख सकते हो कि ये जिहड़ी अगर तुसीं चीज़ देखो बहुत ही वधिया हैगी है। ये एक पुराने जमाने के जो साढ़े अजक परस वगैरह नहीं सी चलते उस टाइम जो ही लोग ये चीज़ों बहुत ज़्यादा पसंद करते, एक साड़ी विरासत जी वो भी जिंदा हैगी, भी तुम देख सकते हो अजक माहौल में यह परस। मैडम जी जे परस है ये भी तुहाडे वल्लों ही तैयार किए गए? ये साडे वल्लों तैयार किए हुए हैं, जिस तरह साढ़े इतने पेशेंट के गद्दे बनते हैं उसदे विचों वेस्ट समान जो साडा बचता है असी उन्होंने सुटते नहीं, उन्होंने भी असी वरतों से लैके आने कि परस छोटे छोटे पाउच बना दें, परस बना दें कि साढ़े सेल हो जाते हैं, इस तरह परस डबल है ये साढ़े आम लेडीज़ फड़ सकते हैं, इन्हों सारा वेस्ट मटीरियल तो तैयार होया। ठीक है जी, भगत पूर्ण सिंह पिंगलवाड़ा चैरिटेबल संस्था का एक है कि वो जो छोटा छोटा समान है उन्होंने भी वेस्ट नहीं करते हैं, भी वो किसी ना किसी पास जरा वा उन्होंने लैके आते हैं, तुम देख सकते हो। आ मैडम जो बोतलों वगैरह चाह बनाए हुए आ, फ्लावर वगैरह वेस्ट नैट आई सी असी इनू मतलब कि यूज लिया, फ्लावर बनाते बच्चों ने, यह बोतल है जिस तरह तुम वेस्ट सुट देंगे जे असी इन्ह बोतलों के उत्ते डेकोरेट करके बोतल तैयार करके एक फ्लावर पोट तैयार करता है। मैडम ये सेल किया जाता सारा? हाँ जी, ये सारा सेल हो जाता है। किस रेंज दे विच जांदे है? ये साडा बिल्कुल सस्ता वा, पिंगलवाड़ा संस्था बिल्कुल रेट घट लाउंदा जी बाजार नालों, ये सारा 50 रुपीज़ का सारा। ठीक है जी,
बाजार से सारा देखो जी कह नहीं होता सारा सिरका वरतदे आ असी प्योर हर एक चीज़ इस शुद्ध पाई है कोई कैमिकल नहीं पाया कुछ नहीं है ड्राई फ्रूट का अचार भी बनाने कोई कैमिकल नहीं गा बस इन बनाने का तरीका वा कि साल तक रह जाता बिना फ्रिज तो शरबत है भी साल तक रह जाता कुछ खराब नहीं होंगे बिना कैमल तो सारे साढ़े अपने पिंगलवाड़ा संस्था के बच्चे है सारे यही साढ़े वरतते बाहर का असं बिल्कुल बंद किया हो कि कैमिकल तो रहा खेतियाँ वा की दिखाना चाहते हैं इस स्कूल के बच्चे साढ़े नाल आप इन्हों भी गलबात करते हैं सत श्री पुत्र जी सत श्री अकाल पुत्र जी तुसी की मैसेज देना चाहते जो ये असं यही मैसेज देना चाहते हैं सारे किसानों कि सानू भी सारे किसानों जी कुदरती खेती करनी चाहिए आ किसी भी तरह जो कैमिकल बेस्ड इनसैक्टीसाइड तो पेस्टिसाइड की वरतों नहीं की जाती कि इतने भी जो धीरेकोट है उत्थे भी जोड़े आ मतलब किसी भी इनसैक्टीसाइड की पेस्टिसाइड की वरतों नहीं की जाती और जगह जो फर्टिलाइजर तो पेस्टिसाइड के तौर पर जरा जीव अमृत अग्नि अस्त्र की वरतों की जाती हैगी आ जिन्हों की विधि जी जो उ वेख ही सकते तो उ लिखी हुई है ठीक है तो पुत्र जी है जो ज्ञान दिया गल्लां दसी जांदे क्योंकि अगर अज दे तुसी मौके देखा जाए लोग जोड़े आ दो दो नहीं देखते है फसलों वास्ते इंतजार नहीं करते जिथे साल दे विच एक या दो फसलां लईयां जांदियां सी अज उत्थे अठ तो दस फसलां लैण नूं भी तैयार हैगे आ उहदे वास्ते जिहड़े हैगे आ दवाइयां वध तो वध यूज़ करते आ तुसी लोगों को बहुत सोहना मैसेज दे रहे हैगे जो तुहानूं इह चीज़ की सिक्ख्या किन्हां ने दित्ती स्कूल वालों सिक्ख्या मिली जां तुसी फार्मर जो नहीं असी फार्मर नहीं है स्कूल वाले वालों ही दी गई है साढ़े टीचर्स ने दी तो तुहाडे कैंप वगैरह लगा के उत्थे तुहानूं दिखाया जांदा हैगा हाँ जी ठीक है जी सो तुसी देख सकते जो इत्थे जो हल्दी वगैरह बैंगन भिंडी वगैरह गुड़ तक ये सारा जिहड़ा हैगा वा जिहड़ा पिंगलवाड़ा सोसायटी वालों कुदरती खेती का फार्म धीरेकोट जंडियाले विखे हैगा वा ये सारा उत्थों का तैयार किया होया वा तुसी देख सकते हो ये इन्हां दी खासियत है कि पानी भगत पूरन सिंह होना की सब तो पहली ही कि पानी जिहड़ी है हवा शुद्ध होनी चाहिए आ तो पानी जिहड़ा वा पानी नूं वध तो वध सेव करना चाहिए उहदे वास्ते इन्हां खेती वास्ते भी दिखाया होया कि क्यारियां बना के उहनां दे विच तुसी अपनियां जिहड़ियां फसलां वा वह लावो इहदी वध तो वध जानकारी लैण वास्ते तुसी कुदरती फार्म धीराकोट जिहड़ा सरदार राजबीर सिंह दे अंडर चल इस वक्त साढ़े नाल डॉक्टर अश्विनी कुमार साढ़े नाल है जिन्हां कोल भगत पूरन सिंह पिंगलवाड़ा के फिजिकल सेंटर जिहड़ा वा इन्हां दी देखरेख में चलता वा वो आप इन्हां नाल भी गलबात करते हाँ सत श्री अकाल सर जी डॉक्टर साहब जिहड़ा तुसीं इत्थे दिखा रहे हैगे असीं देखिया जी तुहाडे बच्चियां वास्ते जिहड़े हैंडीकैप उन्हां वास्ते तुसीं शूज़ वगैरह होर तैयार करदे जो ये सारा पिंगलवाड़ा सेंटर वालों ही है जी सारा पिंगलवाड़ा मानावड़ा ब्रांच विथ प्रोसेसिंग अथॉरिटी सेंटर हैगा ठीक है फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं ठीक है जी तो ये जो कुछ भी हैगा वा ये बाहरों जो संस्थावां वगैरह जी उन्होंने वालों भी डोनेशन वगैरह या सारा इन्हों वालों ये पिंगलवाड़ा संस्था ही रन कर रही है पिंगलवाड़ा डोनेशन से ही चलती है और कोई क्राइटेरिया नहीं रखा कोई भी पेशेंट बाहर से आकर के रजिस्ट्रेशन करवा सकती है और फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकती है कि सिर्फ पिंगलवाड़े तो इलावा जो बाहर के लोग है वो भी आन के दा फायदा उठा सकते कोई भी पेशेंट आ सकते पहले ही बोला कि कोई भी पेशेंट आ सकते पिंगलवाड़ा ही खुद नहीं पिंगलवाड़ा परसेंट तो 1% ही है बाकी 99% बाहर के पेशेंट ही आ रहे हैं जिस तरह फिजिकल थेरेपी वगैरह भी तुहाडे वल्लों इत्थे सेंटर खोलिया गया होया वा जो थेरेपी सेंटर है तो उहदे वास्ते मैडम जिस तरह इन्होंने दस्सिया कि इहदे वास्ते शूज़ वगैरह जिहड़े आ बाहरों ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨਵਾਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਰਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਬਲ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸਕੁਲਰ ਡਿਸਟ੍ਰੋਫੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ दोस्तों तुसी देख सकते जो जिन्ना भी इत्थे समान बनया होया वा ये सारा जिहड़ा पिंगलवाड़े विच स्पैशल स्कूल हैगा वा उत्थों दे बच्चियां द्वारा बनाया गया वा तुसी एक बिलीव नहीं कर सकते जिथे असी एक आम लोग जिहड़े आ उत्थे इहो जिहियां सुंदर जिहड़ियां चीज़ां वह नहीं बना सकते उत्थे ही जिहड़े स्पैशल बच्चे आ उन्हां वल्लों जिहड़ियां वा आ चीज़ां बनाईयां जा रहियां तुसी मिरर नूं देख सकते हो किस तरह दी डेकोरेशन वगैरह की हुई है उस तो इलावा तुसी फुलदान वगैरह देख सकते जो बच्चों वालों ही जिहड़े आ छोटे छोटे गिफ्ट पैक जिहड़े आ वह बनाए गए हुए आ इन्हां दे टीचर भी इस टाइम साढ़े नाल आओ आपां इन्हां दे टीचर जिहड़े आ उन्हां नाल भी गलबात करदे हैगे आ सत श्री अकाल मैडम जी
ਮੈਮ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 200 ਬੱਚਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸਟਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੱਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੈਂਡਲਸ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੀਚਰਸ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਪਗਲਾ ਕਰਨੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਬੀ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ 50-60 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੈਡਮ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਦਾ ਬੱਚੇ ਅਚੀਵ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗੋਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਆਮ ਪਾਪੜ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਰ ਡਰਾਇੰਗ ਦਬਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਸਕਣ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੜੀ ਬੇਅੰਤ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖੇ ਗਿਆ ਵਾ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਣ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ